नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है, बिहार के तमाम संविदा कर्मचारी चाहे वे जिस विभाग में कार्यरत हों, उन सभी के लिए सरकार ने जो है कि नया एडवाइजरी जारी किया है, जिसके तहत संविदा कर्मियों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया सरल और सुलभ कर दी गई है और साथ ही बकाया मानदेय भी अब किसी का नहीं रहेगा। सारा खबर हम आपको बताएं उससे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग ने जो है कि एडवाइजरी जारी किया है, पत्र जारी किया है। पत्र के प्रेषक हैं विनीता, विशेष कार्य पदाधिकारी सेवा में सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक पंचायत राज, सभी उप विकास आयुक्त, सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रचार प्रमुख, मुखिया, सरपंच, प्रशिक्षण संस्थान, सभी जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान बिहार। तो यह पत्र जो है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उससे पहले आपको सारी बातें बता देते हैं और स्क्रीन पर पत्र दिखा रहे हैं कि पत्र में क्या लिखा हुआ है और पत्र का मकसद क्या है। तो विषय मांग पत्र के प्रेषण के संबंध में, तो संविदा कर्मियों का वेतन बहुत दिनों से बकाया रह जाता है और विभाग में जो है कि इसका डिमांड जो है कि पदाधिकारियों के शिथिलता के चलते और जो है कि जिला स्तरीय उदासीन रवैया अपनाते हैं अधिकारी लोग, जिसके वजह से विभिन्न विभागों में कार्यरत भिन्न भिन्न प्रकार के संविदा कर्मियों का डिमांड पत्र, मांग पत्र विभाग तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से जो है कि संविदा कर्मियों का मांग बहुत दिनों तक बकाया रह जाता है, साल दर साल राशि बकाया रह जाता है और विभाग को कुछ पता नहीं चलता है और आवंटन आ नहीं पाता है। इसी को लेकर जो है कि एडवाइजरी जारी की गई है। पत्र जो है कि विनीता जो है कि विशेष कार्य पदाधिकारी हैं सरकार की, उनके द्वारा जो है कि पत्र जारी किया गया है। तो पत्र में जो है कि मांग पत्र मांगा गया है, इसमें कहा गया है उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विभागीय शीर्ष अंतर्गत नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को वेतन समय समय पर भुगतान हो सके। देखिए, इसमें नियमित कर्मी का और संविदा कर्मी दोनों का मांग पत्र अब जाएगा। यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कि संविदा कर्मियों के लिए ही यह एडवाइजरी है, यह पत्र जो है पूरे जो है कि नियमित कर्मी और संविदा कर्मी दोनों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि विभागीय शीर्ष अंतर्गत नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के वेतन समय समय पर भुगतान हो सके, इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निम्नांकित आधार पर मांग पत्रों का प्रेषण विहित परपत्र में उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए परपत्र भी जारी किया गया है। परफॉर्मा क, वेतन की गणना संलग्न परपत्र एक में कार्य बल के आधार पर की जाएगी, कि भी किसी भी स्थिति में औसतन वेतन का आधार पर आकलन तैयार नहीं किया जाएगा। दूसरा है ख, वेतन की गणना कोटि क्रम में दर्शाई जाएगी तथा यह ज्ञात हो कि किस कोटि के श्रेणी के कितने पदाधिकारी एवं कर्मचारी स्थापना में संप्रति कार्यरत हैं। ग, पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अनुमान भत्तों के लिए उनके नाम के सामने इकाईवार आंकड़े अंकित किए जाएंगे। घ, जीवन यापन भत्ता का आकलन वेतन के 40% की दर से समय समय पर वित्त विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित दर के अनुसरूप किया जाएगा। बहुत सारे जो है कि कर्मी निलंबित होते हैं, उनको जो है कि जीवन या भत्ता के लिए 40% की राशि दी जाती है, उसके बारे में कहा गया है। अंग, अन्य भत्ता के अंतर्गत अलग से नामवर राशि की मांग संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाए। चौ में जो है कि यहाँ उल्लेख किया गया है संविदा पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय भुगतान हेतु नामवार कार्यालय एवं पद नाम सहित राशि की मांग संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाए। तो च जो है इसका कह रहा है कि संविदा कर्मियों का भी इसमें मांग पत्र उसी के अनुरूप जो है कि भेजा जाए। कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता, भाड़े, गाड़ी आदि के मद में राशि की गणना एवं मांग मित व्ययिता परिपत्र के आलोक में की जाए। दूरभाष इकाई के मांग के साथ साथ दूरभाष संख्या भी अंकित की जाए। तो इसमें जो है कि उनका दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा। यदि पूर्ववर्ती वर्षों में नियमानुसार कोई बकाया दे है तो उसका औचित्य दर्शाते हुए राशि की मांग की जाए। बकाया राशि के मांग पत्र किए जाने के पूर्व संबंधित कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित बजट शीर्षों में आवश्यक राशि का भुगतान अद्यतन आवंटित राशि से किया जा सकता है अथवा नहीं। यदि पूर्व में कोई राशि बकाया है तो उसका जो है कि आकलन कर लिया जाए
और जो है कि जो आवंटन की जाएगी राशि उससे भुगतान किया जा सकता है कि नहीं, इसका उल्लेख कर दिया जाए। उक्त वर्णित विहित प्रपत्र निम्नवत है, इसके साथ परफर्मा लगा हुआ है जिसमें कार्यालय स्थापना का नाम, वित्तीय वर्ष, बजट शीर्ष, क्रम संख्या, स्थापना का नाम, कर्मी का नाम, यह सारा जो है इसमें है, आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं और साथ ही इसका लिंक डाल देंगे। कार्यालय स्थापना का नाम, तो इसमें कुल दो परफर्मा लगा हुआ है। इसके आलोक में समाहरणालय वैशाली हाजीरपुर के जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा ज्ञापांक 6/88 दिनांक 27/4/2022 जारी करते हुए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वैशाली जिला को सूचनार्थ प्रेषित निर्देश है कि संलग्न विहित प्रपत्र 1 एवं 2 में वांछित सूचनाएं अंकित करते हुए 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए ताकि वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राशि का आवंटन हेतु विभाग से अनुरोध किया जा सके। तो इस पर कार्रवाई करते हुए वैशाली के जो है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र भी जारी कर दिए हैं जिसके आलोक में उन्होंने मांग पत्र भेजने का जो है कि आदेश निर्गत किया है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अब मानदेय जो है ज़्यादा दिनों तक बकाया नहीं रहेगी और जो ही डिमांड बनकर चला जाएगा राशि का आवंटन विभाग पर देगा। तो सरकार की मंशा साफ है और संविदा कर्मियों के लिए जो है कि बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है जिसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।